हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन है लॉगरिथमिक टेस्ट को अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को अपन आज और इम्पोर्टेंट जो उसके एग्जांपल्स है उनको अपन आज की वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लॉगरिथमिक टेस्ट को अपन ने कल डिस्कस किया था, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और उसमें अपन ने क्या देखा कि लॉगरिथमिक टेस्ट में अपना क्या रहता है, u1 by u1 + 1 है, उसका अपन लॉग लेके फिर n से मल्टीप्लाई करा के अपन आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो आज इसका एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, तो उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला जो एग्जाम्पल है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + 2.4 p + 1.3/2.4.6 p + इस तरह से अपने को आगे से आगे जो है वो गिवन है रहता है 3.5/2.4.6.8 p, ठीक है। इस तरह से अपने को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या निकालते हैं, u1 by u1 + 1 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो u1 by u1 + 1 यहाँ पर देखिए दो सीरीज ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे बन रही है, एक सीरीज ऊपर बन रही है, एक सीरीज नीचे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको u1 by u1 + 1 निकालेंगे, तो आंसर में क्या लिखेंगे, u1 by u n + 1, इसको लिखेंगे 2n + 4/2n + 1 p, ठीक है। ये जो है यहाँ पर डिफाइन होगी, ठीक है। अब जो है अपन यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे इस वैल्यू में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u1 by u n + 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अनुपात परीक्षण होगा वो फेल हो जाएगा, तब अनुपात परीक्षण विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। अब अपन यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे कि लॉगरिथमिक टेस्ट को अपन लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को जो गिवन वैल्यू है उसका अपन लॉग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे और साथ में n से मल्टीप्लाई भी करा लेंगे, तो n log u1 by u n + 1, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, जब इस वैल्यू को n और log जो है वो किसका लेंगे, इस पूरे का लेंगे, 2 n + 4/2 n + 1 p, ठीक है। इसका लॉग लेंगे तो p जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि पावर की फॉर्म में है, ठीक है। तो पावर जो होती है वो आगे आ जाएगी, तो अपना जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n log u1 by u n + 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर p आगे आ जाएगा तो अपना बन जाएगा np, और इसको भी अपन अंदर वाली वैल्यू को भी तोड़ लेते हैं, np log, यहाँ पर मैंने इसको तोड़ के लिख लिया 1 + 3/2n + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब इसको अपन वापस इस वैल्यू को सरल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा 2n + 4/2n + 1। अब जो है इसको अपन लिमिट लगाते हैं, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log u1 by u n + 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है वो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर है, तब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले इस log 1 + 3/n इसको क्या कर लेते हैं, अपन खोल लेते हैं, तो जब इसको खोलेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n p को एक बार बाहर रखते हैं, जब इस वैल्यू को खोलेंगे तो आएगा 3 by
टू एन प्लस वन, फिर माइनस में इसका क्या, माइनस में हो गए इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और फैक्टोरियल भी आ जाता है नीचे। लॉग का प्रसार जो होता है वो लिखा गया है यहाँ पे, इस तरह से ये आगे चलता जाता है, ठीक है। अब अपन एन पी को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब अपन एन पी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, पी को बाहर देख लेते हैं, एन को सिर्फ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो थ्री एन बाई टू एन प्लस वन प्लस थ्री माइनस नाइन एन बाई टू टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए इसमें से n कॉमन निकाल के अपन n से n कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वाले पद से वैल्यू आ जाएगी 3 बाई टू, और p यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई में है ही, तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई टू पी जो है वो यहाँ पर n log यू एन बाई यू एन प्लस वन की जब अपन लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू अपने पास डिफाइन हो जाएगी 3 बाई टू पी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन ने यहाँ पर इसकी लिमिट, अब एक बार इसको ग्रेटर देन लेंगे, लेस देन लेंगे और फिर इसको इक्वल लेंगे और फिर उससे अपन वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि पहली चीज इसको ग्रेटर देन ले, यदि 3 बाई टू पी ग्रेटर देन 1, अर्थात ये क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो 2 बाई 3 से, ठीक है, ये भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, उधर जाएगी तब। तो p जब ग्रेटर देन होता है किससे, 2 बाई 3 से, तो श्रेणी कैसी होगी, तब श्रेणी अभिसारी होगी, तब श्रेणी यू एन अभिसारी होगी। सेकेंड कंडीशन, यदि 3 बाई टू पी लेस देन 1 होता, अर्थात अपन क्या लिखते हैं, पी लेस देन 2 बाई 3, तब श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये दोनों तो हो गई। अब अपन p की वैल्यू अगर 3 बाई टू ही ले लेते हैं तब क्या होगा, यदि p इक्वल्स टू 3 बाई टू, p की वैल्यू को क्या ले लिया जाए, 3 बाई टू ले लिया जाए, तब यहाँ पर क्या ले गए, ये देखिए तब यहाँ पर अपन क्या इससे में से 1 माइनस कराएंगे और फिर अपना आंसर है निकालेंगे, ठीक है। अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तब एन लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन, इसमें से क्या कराएंगे, 1 माइनस कराएंगे, ठीक है, 1 माइनस क्यों कराएंगे, ये अपना अगला जो सीरीज होगा उसमें अपने डिफाइन करेंगे। अगली जो श्रेणी डिस्कस करेंगे उसमें यही सेम चीज़ करने वाले हैं। तो एन लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन, उसमें से माइनस वन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या वैल्यू आई थी इसकी, एन लोग यू एन बाई यू एन प्लस वन की वैल्यू आई थी एन लोग टू एन प्लस फोर बाई टू एन प्लस वन की पावर 3 बाई टू और माइनस है 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपने खोलेंगे और फिर घटाएंगे। तो जब अपन इसको खोल के घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी जो है, सॉरी 2 बाई 3 लिखना है, 3 बाई 2 नहीं लिखना है, 2 बाई 3 की जब बात चल रही थी हमने, 2 बाई 3, ठीक है, तो 2 बाई 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 बाई 3 आगे आ जाएगा लॉग में, तो 2n बाई 3 हो जाएगा। और लॉग को जब अपन खोलेंगे, इसमें अपन ने उसको खोल के लिखा था तो कितना लिखा था, 3 बाई 2n प्लस 1 माइनस 9 बाई 2 2n प्लस 1 का
स्क्वायर इस तरह से कैसे लिखा था, और यहाँ बाहर क्या है अपना माइनस में वन है। जब अब इसको अपन आगे क्या करेंगे, सरल करेंगे और लॉग एन से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इसको सरल किया तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पर, सरल करने पर वैल्यू जो है वो कितनी डिफाइन हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। थ्री से तो थ्री कैंसिल हो गया, जो पहला पद बन गया 2n बाई 2n प्लस है 1, दूसरा पद बन जाएगा 6n बाई 2 बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या है माइनस में 1। मैंने 2n माइनस 2n बटे 3 को अंदर क्या करवाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा 3n बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लिया अपने। अब इसको क्या करवाना है, लॉग एन से मल्टीप्लाई करवाना है पूरे पद को, और फिर उसका लिमिट लेना है। तो अपन क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें लिखा जाएगा एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, और उसका उसको मल्टीप्लाई करवाना है किसे, लॉग एन से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, अपन ने वैल्यू निकाल ली इसकी 2n बाई 2n प्लस 1 माइनस 3n बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में इधर 1 चल ही रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसे, लॉग एन से। ठीक है, माइनस में 1 चल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसे, लॉग एन से। तो यहाँ से अपन n कॉमन ले लेते हैं, n को अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अपन ने मल्टीप्लाई करवा के जब अपन ने आंसर निकाला तो क्या आ जाएगा अपना, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी पूरी। इसको हटा के लिखते हैं अपन यहाँ पर, n से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा लेते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर बाई 2n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग n बाई n। ठीक है, यहाँ n को ऊपर मल्टीप्लाई कराया और वहाँ पे डिवाइड करवा दिया। अब अपन जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लॉग एन बाई एन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जब अपन इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये वाली अगर वैल्यू ज़ीरो हो गई, तब जो ज़ीरो का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, जो कि क्या है, मेरी लेस देन है 1 है। तो इस कंडीशन में अपनी श्रेणी क्या हो जाएगी, अब सारी हो जाएगी, तब समेशन ऑफ यू एन है अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और डाइवर्जेंट होगी तो अपन ने जो दो कंडीशंस पढ़ी थी पहले, उसमें एक कंडीशन पे ग्रेटर देन पे तो अपना क्या था, कन्वर्जेंट था, और बाकी दो के लिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे कि जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, पी ग्रेटर देन 2/3 पे तो क्या है, अभिसारी है। ठीक है, और p लेस देन इक्वल 2/3 पे क्या है, अपसारी है। इस तरह से अपन है कोई भी जो लॉग का जो सवाल है उसको अपन इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू जो अपने को गिवन होती है उसके लिए अपन यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने एक क्वेश्चन को जो लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए, जो लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट होता है उसके द्वारा अपन ने सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।